ये कोई तरीका है क्या? आपको पता था, मैं आप लोगों को बताई थी क्या हालत है मेरा घर का अभी। मुझे लड़का पूरा इरिटेट करके रखा। Hey guys, welcome back to our channel, welcome to Hit Lifestyle. This is Vidisha और आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग। लेकिन हाँ, आज का बात एक है कि उतना भी कुछ खास हम दिखाने वाले आज है नहीं, क्योंकि आज मेरा घर का पूरा साफ सफाई होने वाला है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि साफ सफाई करना है, बट नहीं हो पा रहा था। इतना गर्मी है, इतना बारिश गर्मी हो रहा है, तो मैं नहीं कर पा रही थी। और निखिल को भी बोलने पे वो भाग जाता है, वो नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके ऊपर सारा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हूँ कि तुम थोड़ा सा, हाइट तुम्हारा ऊंचा है तो तुम थोड़ा सा साफ सफाई कर दो, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता इतना ऊंचा, मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता है। तो हाँ, आज बहुत दिनों के बाद ये रहा ये इंसान, ये साफ सफाई कर रहे हैं। ये विंडो का जो हम लोगों का जो कर्टन्स है वो सब साफ सफाई कर रहा है। उसके बाद जो ज़मीन मतलब पूरा गंदा होके रखा है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा है, यहाँ पे टेबल में सब कुछ गंदा होके रखा है। सो इसीलिए मुझे पूरा कुछ साफ सफाई करना होगा आज। तो बज रहा है अभी दोपहर का 2:30, आप लोग देख सकते हो दोपहर का 2:30 बज रहा है। पता नहीं कब क्या करेंगे, कैसे सब कुछ लाइक होगा, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। इधर इसका कपड़ा का भी हालत देखिए, सब कुछ इधर पड़ा रहता है, कुछ नहीं ठीक करता है। तो आज ये साफ सफाई कर रहा है ये। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ज़मीन का जो वैक्यूम क्लीनिंग होता है वो करेंगे, टेबल साफ करेंगे, किचन साफ करना है। किचन का भी हालत बहुत ख़राब है। मैं जब किचन साफ करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी किस तरह का हाल होकर रखा है। रोज़ निकलना पड़ता है घर से, हम लोग नहीं कर पाते उतना। सो या उसीलिए थोड़ा सा सब कुछ काम एक साथ जम चुका है। तो किचन क्लीन करना है, डाइनिंग रूम को क्लीन करना है, सोफ़ा क्लीनिंग करना है, कारपेट को वॉश करने देना है। मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी क्या हालत होकर रखा है। उसके बाद वापस आते हैं, थोड़ा सा रूम को और साफ कर लेती हूँ। यहाँ पे ये साफ सफाई कर रहा है, बट हाँ अभी भी और काम है। बेडशीट का, बेड का क्या हालत है आप लोग देख सकते हो, सब कुछ करना होगा। सो उसके बाद मैं वापस आऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरा किचन का, मेरा डाइनिंग रूम का और भी अच्छा हालत है, क्या होके रखा हुआ है। सो हाँ, ये छोटा सा रूम है मेरा, उसमें ही मैं शूट करती हूँ, उसमें में ही मैं लाइक हम लोग खाना खाते हैं, इधर ही हम लोग का बेडरूम है। जितना हो सकता है उतना हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा चीज़ जोड़ जोड़ के हम लोग ये सब कुछ बनाए हैं। सो या इट मीन्स अ लॉट टू मी, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। से हेलो टू एवरीबडी। हेलो। सो यहाँ पे ये काम कर रहा है, कोई कंप्लेन नहीं किया है आज। हम लोग आज दोनों ही लीव लिए हैं, मेरा छुट्टी बाकी था, इसने लीव लिया है एक दिन के लिए। तो हाँ, छुट्टी के टाइम पे तो करना ही पड़ेगा। सो मैं अभी थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, मैं थोड़ा कॉफ़ी पी लेती हूँ, मेरा कॉफ़ी के बिना काम नहीं होता है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, सो मैं ये पीऊँगी, उसके बाद मैं आऊँगी वापस। तो तब तक आप लोग मेरे साथ रहिएगा। गाइस, आप लोग देख रहे हो मेरा क्या हालत है। तो यहाँ पे हम लोग अभी सोफ़ा क्लीन कर रहे हैं, इससे काम कराने का मज़ा ही अलग है। ये यहाँ पे सोफ़ा क्लीन कर रहा है, सोफ़ा के पीछे का हालत बहुत ख़राब है, यहाँ पे ये साफ सफाई चल रहा है। तो मैंने तो आज ले ही लिया है, बोल ही दिया है कि कुछ नहीं करूँगी मैं, फिर मैं भी कुछ नहीं करने वाला हूँ, इसके बाद हम और कुछ नहीं करने वाले। नो, तुमको अभी भी कारपेट का कुछ करना है, बिकॉज बहुत गंदा हो चुका है। हम एक दिन ऑफ होता है, इसके बाद हम और कुछ नहीं करने वाले। अच्छा ठीक है, वो देखा जाएगा, बट अभी थोड़ा सा हम लोग और साफ सफाई करेंगे सोफा का। नहीं यार, साफ सफाई और नहीं करूंगा, थोड़ा सा बाकी है और अभी भी। फिर भी मैं उसमें हेल्प कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वो अकेला कर रहा है, मैं भी वहाँ पे हेल्प कर ही रही हूँ। तो या गाइस, चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। पेंट मिला सोफा के नीचे, ये सोफा के नीचे से मुझे ये पेंट मिला है। पता नहीं मैं क्या कर रही थी इस पेंट के साथ सोफा में, तो ये मिला है हमको। सो पता नहीं, अभी और भी बहुत सारा काम बाकी है। यहाँ पे सोफा क्लीन होगा, उसके बाद कारपेट क्लीनिंग है, उसके बाद मैं करूँगी बाथरूम थोड़ा साफ करूँगी, और थोड़ा किचन को भी मुझे रीअरेंज करना है। मैं करते करते आप लोगों को लाइव अपडेट देती रहूँगी। तो गाइज, मिलती हूँ आफ्टर क्लीनिंग द सोफाज। तो गाइज, मेरा हालत देख आप लोगों को पता ही चल रहा है क्या हालत है मेरा घर का अभी। यहाँ पे निखिल वैक्यूम कर रहा है। सो यहाँ पे हो गया है सोफ़ा साफ करना। मेरा तो हालत बहुत ही ख़राब है गर्मी में, और यहाँ पे इसका भी हो चुका है ऑलमोस्ट। इसके बाद हम लोग, ये कोई तरीका है क्या? नहीं, हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं नहाने। मैं नहाने जा रहा हूँ। ये चला गया नहाने के लिए, मुझे पता नहीं मैं अभी अकेले क्या क्या करूँगी। और तो चला गया है ये, मुझे अभी भी यहाँ पे सब कुछ मेस्ड अप है, आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे सोफ़ा में पड़ा हुआ है।
इसका कंटिन्यूस चलता ही रहता है। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा कारपेट्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे टीवी का भी जो कवर्स है वो सब सेट करना है, यहाँ पे भगवान का जो जगह है एरिया है वो भी क्लीन करना है। हमको पता नहीं, रुक जा दो मिनट, अभी पता नहीं है हमको कैसे क्या करना है। यहाँ से ये चिल्ला रहा है बाथरूम से टॉवल चाहिए टॉवल चाहिए। मैं मिलती हूँ गाइज आप लोगों से थोड़ा देर बाद, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ रीअरेंज कर लेना है। मैं सब कुछ आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी कैसे क्लीन होता है सब कुछ एट द एंड। सो लेट मी टेक यू गाइज आफ्टर सम टाइम, सो मिलते हैं उसके बाद। नहीं, मुझे लड़का पूरा इरिटेट करके रखा है, मुझे कभी भी एक मिनट का सुख चैन नहीं देता है, हमेशा ये दो वो दो ये दो वो दो करता रहता है। दो मिनट रुक जाओ, ये अभी भी शुरू करके रखा हुआ है टॉवल चाहिए। अभी जब गया बाथरूम तब टॉवल लेके नहीं गया, अभी मुझे ये सब कुछ मैस करके चला गया है, कुछ ठीक नहीं किया, अब मुझे ठीक करना है। दो मिनट, मैं आती हूँ गाइस थोड़ा देर बाद, मुझे उसको दे के आती हूँ टॉवल और मैं थोड़ा सा क्लीन करके उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे साफ सफाई हुआ है। यहाँ पे ये साफ कर रहा है, थोड़ा सा बाकी था यहाँ पे सफाई तो वो ही कर रहा था। नहीं, यहाँ पे फेंको उसको, गो। सो मेरा हो गया है आज सब कुछ साफ सफाई करना। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारा पर्दा गया है मेरा धुलने, छत पे मैंने कपड़ा दे दिया है तो अभी तो पॉसिबल नहीं है लगाना बिकॉज अभी एकदम पूरा गीला है। और मैं आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे एक्चुअली बहुत सोने का मन कर रहा है बट पता नहीं, अभी भी खाना पीना कुछ हुआ ही नहीं है हम लोगों का। सो यह निखिल गया है खाना लेने के लिए बट पता नहीं कि वो क्या लेके आएगा, बट मुझे एक्चुअली मालूम है उसका कंफर्ट फूड जो है वो वही लेके आएगा हम लोगों के लिए। एक्चुअली आज सुबह से इतना काम किया ना हम दोनों ने, एक दिन लीव मिलता है एक दिन हफ्ता में हम लोग छुट्टी ले पाते हैं, उस दिन भी इतना काम पड़ जाता है कि यू गाइज विल एक बहुत बहुत दिक्कत हो जाता है उस दिन। मतलब हम लोग आज पूरा बेड ठीक किए, बेड का जो कवर्स होता है वो चेंज किए, पिलो कवर्स चेंज किए, सारा कर्टन्स को हम लोग धोने दिए, सोफ़ा का कवर सोफ़ा चेंज की मतलब जो कवर्स होता है वो चेंज किया, कारपेट्स धोए, जो भी टेबल कवर्स होता है वो, अलमारी को रीअरेंज किए। मतलब एक दिन में इतना सारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा रूम है सारा का कर्टन्स गया है मेरा धोने और सब कुछ रीअरेंज्ड है फ्रॉम ए टू जेड। यहाँ पे भी मैंने जो टेबल दिखाया था वो रीअरेंज करके, यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ पे हम लोग का जो मेडिसिन होता है फोटोज़ होता है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे रख चुके हैं। सो यहाँ पे जो हम लोग का यूट्यूब का नया कॉर्नर हम लोग बनाए हैं वो भी मैंने अच्छा से रीअरेंज कर दिया है। ये रहा शेल्फ, ये रहा हम लोगों का पोस्टर्स, अच्छा से जो लाइट्स होता है वो सब कुछ मैंने पोछ दिया है, अच्छा से सब कुछ सेट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही साफ सफाई काफ़ी है और कल तो हम लोगों का व्लॉग आ ही जाएगा आप लोगों के पास। अभी बज रहा है शाम का 6:30 और हम दोनों ने ही बहुत थक चुके हैं, निखिल फिर भी गया है खाना लेने। मेरा तो एकदम ही मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का, सो मैंने बोला कि तुम इस टाइम अभी तो लेके आ जाओ फिलहाल कुछ लाइक स्नैक्स टाइप का कुछ, मैं रात को रोटी बना दूंगी, रोटी और आलू दम बनाऊंगी बिकॉज हम लोग का अभी सावन चल रहा है, सावन के टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी सात्विक खाना खाते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हम लोग। तो अभी तो अगस्त का 30 तक सावन चलेगा तो हम लोग का पूरा वेज है। जिस दिन ऑफिस होता है बहुत प्रॉब्लम होता है, घर से खाना बना के ले जाते हैं, ओट्स खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, खाने का थोड़ा सा दिक्कत है बट हाँ हम लोग तो अभी पूरा वेज ही बोल सकते हैं, हम लोग वेजिटेरियन ऑलमोस्ट है ही, मछली छोड़ के हम लोग जनरली कुछ खाते नहीं है, सब्जी छोड़ के और मछली छोड़ के। सो या उतना दिक्कत नहीं होता है बट सावन के टाइम पे बिल्कुल भी प्याज लहसुन भी नहीं खा पाते, सो वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है बट कोई बात नहीं, शिव जी का भक्त है तो उनका नाम लेके सब कुछ हो जाता है। सो हाँ बस इतना ही है कि जितना हम लोग एफर्ट देते हैं आप लोग उतना हम लोगों को सपोर्ट करो, बहुत सपोर्ट करते हो बट फिर भी और सपोर्ट करो गाइज। और एक चीज़ हमको पता नहीं है वो क्या एक्चुअल में लाने वाला है खाने के लिए बिकॉज आई एम वेरी हंग्री, इनको बहुत भूख लगा है बट या आई थिंक ही विल ब्रिंग डोसा, मुझे पता नहीं है, वो है नहीं घर पे अभी, वो जब आएगा मैं आप लोग को खाना दिखाऊंगी कि क्या खाना खाने वाले हैं हम लोग, तो तब आप लोग देख सकोगे कि इधर आई वॉज राइट और नॉट। तो या निखिल को आने दीजिए, उसके बाद में उससे आप लोगों को मिलाती हूँ और खाना भी एक साथ खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं 5 से।
10 मिनट के बाद, बिकॉज दुकान सामने ही है, वो आने लाने ही गया है, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. सो या लेट मी वेट फॉर माई हस्बैंड. मुझे लगता है निखिल आ चुका है. चलिए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ. यही तो जाओ. आ गए हो, क्या लाए? डोसा. हमको पता था, मैं आप लोगों को बताई थी डोसा लाएगा. मुझे पता था इसका कम्फर्ट फूड है. अनाई स्वेयर मुझे नहीं पता था वो डोसा लाने वाला है. बट या मेरा जो भी गेस्ट था वो सही निकला. तो चलिए मैं आप दोनों को दिखाती हूँ डोसा एंड कोल्ड ड्रिंक्स. आज हम लोग का डिनर कम लंच कम ब्रेकफास्ट, बिकॉज सुबह से मैंने कॉफी और निखिल कुछ भी नहीं खाया. निखिल सिर्फ पानी पिया है सुबह से. उसका पूजा करता है 1000 times. उसका शिव जी का जो मंत्र होता है वो जो बिना जब तक नहीं करता है वो नहीं खाना खाता है. तो जस्ट वो नहा के पूजा करके निकला था, खाना लाया है, तो वो अभी खाएगा. बज रहा है शाम का 7, आप लोग देख रहे हो. तो वी आर रियली वेरी हंग्री गाइस. चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डोसा कैसा है और उसके बाद मिलते हैं आफ्टर ईटिंग. ओके बाय. तो गाइस मैं खाना निकाल रही हूँ. आई थिंक ये इडली है और इडली इस तरह से आप लोग देखो कितना ब्यूटीफुली पैक किया है. इसको देख के खाने का मन कर रहा है. और इडली तो निखिल के लिए होगा और जो वड़ा है वो मेरा है. और एक वड़ा और एक इडली मैं लूंगी और निखिल का 2 इडली है. आज हम लोगों का जो खाना है वो मेन फूड, दिस इज डोसा. अरे वो ऐसे मत कर, वो उसका मसाला खराब हो जाएगा. अच्छा मैं खोल रही हूँ धीरे धीरे दिखाना. अरे यार फिर सॉगी हो गया. क्रिस्पी बनवाते इधर सॉगी हो जाता. तो लाने के लिए बारिश है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए थोड़ा सॉगी हो जाता है. दिस इज द डोसा. ये कितना लिया, कितना रुपए? 50 rupees. Guys, this is a dosa and this is only for ₹50. My God. हम लोगों का घर के वहां पे जो केसी गोप है, जो डेयरी मिल्क का भी वहां पे उन लोगों को अवार्ड मिला था. They actually take 85 rupees for masala dosa, but this is only for ₹50, which is unbelievable. इतना मैं ये चटनी एक्स्ट्रा मांग मांग के खाती हूँ. इसीलिए निखिल भी जब भी मेरे लिए घर पे लाता है, अगर ऑफिस से आ रहा है या कभी मेरा तबीयत नहीं ठीक रहा, ऊपर बगैर वो खुल के निकल जाएगा. तबीयत नहीं ठीक रहा तो मैं कभी कभी बोलती हूँ कुछ बाहर से ले लेना, तो तब वेज में वो डोसा लाता है. ये थोड़ा एक्स्ट्रा जैसे आज लाया है 2-2, तो एक्स्ट्रा लाता है बिकॉज मुझे बहुत पसंद है. मैं सिर्फ ही खा जाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है. सांभर मुझे उतना पसंद नहीं है. सो या चलिए खाना खाते हैं. मिलते खाना खाने के बाद थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करेंगे. उसके बाद मैं भी और आज नहीं कर पा रही हूँ बात. आई एम रियली सॉरी गाइस. मैं एडिट करूंगी, वो भी एडिट करेगा. उसके बाद हम लोग सोएंगे, हमको बहुत नींद आ रहा है. तो गाइस सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं. हम लोग अभी थोड़ा सा सोएंगे. खाना हम लोगों का हो गया है. अगर रात में भूख लगता है तो हम लोग रात में खाना बना लेंगे. तो अभी यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करते हैं. बहुत टायर्ड लग रहा है. मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है हम लोगों का घर का जो ब्लॉग्स है वो जो हम लोग मिनी ब्लॉग्स बना रहे हैं नया सीरीज में, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ 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 लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट करिए. आप लोगों का सपोर्ट के बिना हम लोगों का चैनल कुछ भी नहीं है. मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ. एंड टेक केयर गाइज, बी हेल्दी, बी सेफ एंड टेक केयर. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. लव यू सो मच. बाय.